हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरदीत और आप देख रहे हो पशु चिकित्सा गुरु। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितनी भी मैंने हरी भाई साहब की वीडियो बनाई है, आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपने बहुत वीडियो को लाइक किया और उसका कारण यह है कि हरी भाई घोड़ों की दुनिया में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं जी। तो आज का जो सिस्टम है, आज की जो वीडियो है, उस वो घोड़े की मीटिंग पे और ब्रीडिंग पे होने जा रही है जी। जैसे इनके पास बहुत अच्छा ब्रीडर है जी, आप देख सकते हो मारवाड़ी लाइन का बहुत ही अच्छा। आपने इसकी पहले जो लाइन वाली वीडियो है, आप पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। और आज का जो सिस्टम हरी भाई से अपने पूछेंगे कि मतलब घोड़े को क्रॉस करवाने से पहले उसकी क्या सावधानियां हैं, और घोड़ी के बारे में पूछेंगे कि घोड़ी को किस प्रकार से रखा जाता है कि उसको नुकसान नहीं हो। नमस्कार हरी भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया साहब, आप सुनाए। ठीक है जी। तो पहले तो मैं आपका जो दिल रखना चाहूँगा, क्योंकि आपका काफ़ी नुकसान हो गया पिछले कुछ दिनों से, जानवरों में आपको बहुत नुकसान हुआ है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ, चलता ही रहता है ये तो। हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कई बार बैठा कि जैसे आपने इतना नुकसान सहाया, कोई और बंदा नहीं सह सकता जी। बस जानवर है सर, सांस वाली चीज़ है, कोई पता नहीं क्या हो जाना है। ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं है जी। तो ये चीज़ें जो हैरी भाई साहब इस चीज़ को सोच लेते हैं कि ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। तो हरी भाई साहब, जैसे अपने पास फिलहाल कई घोड़ियाँ मीटिंग के लिए रुकी हुई हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो आप घोड़े का रख रखाव उस टाइम पे कैसे करते हो? जैसे मीटिंग करवानी है, उससे पहले आप किस प्रकार से इसका रख रखाव करते हो जी? सर, पहले तो ये है कि अपने जानवर की जो डाइट है वो तो अच्छी रखते ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जैसे हम तो थोड़ा जैसे शक्कर वाला पानी पिला देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ देर पहले और बाद में। ठीक है जी। शक्कर वाला पानी पिलाते हैं जिसमें थोड़ी एनर्जी बनी रहे। एनर्जी बन जाती है। सही है जी, सही है। क्या थोड़ा गर्म भी होता है जी? गर्म जिसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ स्पेशल आप जैसे अपने मीटिंग करवाने से पहले साफ सफाई का ध्यान जैसे? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हम जो भी घोड़ी आती पहले तो डॉक्टर चेक करता ही है उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चेक करने के बाद प्रॉपरली हम उसको जो पूछ है वगैरह उस पर सब हम कपड़ा लपेट के प्रॉपरली। अच्छा जी, अच्छा। और लाल दवाई वगैरह घोड़े के लिए रखते हैं साथ में। ठीक है जी, लाल दवाई डाल के। ठीक है, जिससे कि आप जो इन्फेक्शन है जो ट्रांसफर नहीं होगा नहीं हो। क्योंकि जो घोड़ियां सिले में आती है ना। हाँ जी, हाँ जी। उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ब्याई हुई घोड़ियां नजदीक क्रॉस में बिल्कुल, आती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी प्रॉपरली अंदर से सफाई नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर अंदर यूट्रस पूरा तरह सेट नहीं होता, साफ नहीं होता। हाँ जी, उस वजह से हम प्रॉपरली उसको ना बाद में घोड़े को वॉश करने के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट आता है जो। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा पानी में मिला लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। वो मिला के तो वॉश करते हैं। ठीक है जी। और घोड़ी को प्रॉपरली घोड़ी को भी पीछे से साफ करते हैं। ठीक है जी, लाल दवा से। ठीक है जी, ठीक है। फिर हम जंप देते हैं सब। ठीक है जी। और एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने यहाँ पे अपने फार्म पे घोड़ी आती है और क्रॉस हो गई, उसके बाद में कुछ आप ठंडे के रूप में जैसे वो कंसीव कर जाए, तो उसमें भी आप कुछ स्पेशल देते हो गया जी? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं है डॉक्टर साहब। मौसम सही है, अभी ज्यादा गर्मी तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा गर्मी में शायद ऐसी जरूरत पड़े, जैसे हम शक्कर और वो बेसन दे देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। वो तो रेगुलर पूरी गर्मियां चलता रहता है। अच्छा जी, सभी जानवर को चलता है, चाहे वो खाली है चाहे वो जैसा है। ठीक है जी। उन सब भाई साहब, जैसे अपने इस नीले की फीस वगैरह क्या कर रखी है जी? डॉक्टर साहब, इसकी फीस 15,000 रुपए रखी हुई है। ठीक है जी। तो कितना टाइम आपने, कितनी घोड़ी आपने क्रॉस करवा दी डॉक्टर साहब? अभी इस सीजन में 6-7 घोड़ी हुई है। अभी इस सीजन में 6-7 घोड़ी आपने क्रॉस करवा दी? दो अभी आई हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका रिजल्ट भी आपके पास है ही है ना जी? बिल्कुल रिजल्ट है, वो भी आपको फोटो देंगे आप साथ में। कोई भाई मित्र अपना हरी भाई के पास आए तो रिजल्ट भी इनके पास रुका हुआ है। जैसे इनकी जो एक और घोड़ी है ब्याई, उसी के इस घोड़े से क्रॉस हुई थी जी, तो आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हो। बहुत शानदार बच्चा दिया है इसने, और बाकी भी इस घोड़े का वैसे भी मार्केट में पूरा नाम बना हुआ है जी। आप देख सकते हो क्वालिटी के मामले में पूरा जो मारवाड़ी इन्होंने जो लाइन, हैरी भाई साहब लाइन एक बार फिर से बता दो इसकी। अक्सर ये फादर साइड से तो ये काले कांटे का है। अच्छा जी। मदर साइड से मज्जू के फौजी का है। ठीक है जी। माँ जो थी इसकी। हाँ जी, हाँ जी, वो फौजी की। ठीक है जी। माँ इसकी, मदर है जो फौजी की है। इसका कलर अपनी माँ के ऊपर है, इसके मदर के ऊपर इसका कलर गया जी। हाँ जी, हाँ जी। इसे नीला कलर बोला जाता है जी। नीला कलर। ठीक है जी, ठीक है। तो धन्यवाद हैरी भाई साहब आपका बहुत बहुत, आपने जो जानकारी हमारे को दी है। तो मेरे को उम्मीद है कि मेरे जो किसान भाई है उनके ये जानकारी काम में आएगी। काफ़ी आप देख सकते हो क्वालिटी के मामले में घोड़े में कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही जानदार। जो अरे भाई साहब, आप फिलहाल जैसे आप हेरी मतलब घोड़ियाँ क्रॉस करवा रहे हो, तो इसकी डाइट में जैसे कुछ एक्स्ट्रा
आप ऐड कर रहे हो या नहीं जी? फिलहाल डॉक्टर साहब इतना नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि अभी कोई नया दाना आया नहीं है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, तो सभी दाने नए आने वाले, उसके बाद बाकी अभी तो ज़्यादा सर जौंप डालते हैं हम। ठीक है जी, और चौकर चलता है थोड़ा बहुत, और बाकी तेल तूल जो है वो प्रॉपरली चलता है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।